भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से रजौरी के अंदर बीते कल जो चार हमारे जवानों ने, जिसमें दो सेना अधिकारी थे, दो जवान थे, उनको जो है आतंकवादी मुठभेड़ के अंदर शहादत देनी पड़ी है, उसको हम शत शत नमन करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। और इसके साथ ही केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक जम्मू कश्मीर के अंदर जवानों को शहादत देनी पड़ेगी, कम लोग का कब तक जो है आम लोगों को आतंकवादी अपनी गोलियों का शिकार बनाएंगे। देखिए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को दो भागों के बांटने के साथ हमारा विशेषाधिकार छीन लिया गया था, हमें ये वादा किया गया था कि अब आपको नया जम्मू कश्मीर अमन बहाली वाला आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर मिलेगा, मगर 4 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, जमीनी हालात बिल्कुल इसके विपरीत हैं। आज हालात ये हैं कि कश्मीर में सक्रिय आतंकवाद जम्मू में भी अपने पांव पसार चुका है। पिछले 2021 से 23 तक 50 जवानों और आम लोगों को जो है आतंकवादी गोलियों का शिकार बना चुके हैं। 2023 के अंदर मात्र रजौरी पुंछ में 15 भारतीय जवानों को शहादत देनी पड़ी है। ये शहादत का सिलसिला रुकना चाहिए। केंद्र सरकार से हम अपील करते हैं कि आतंकवादियों का सख्ती के साथ निपटते हुए इनका खात्मा करें, और आतंकवादियों को भी हम चेतावनी देते हैं कि अपनी नापाक और कायराना हरकतों से बाज आएं।